हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आई होप आर यू वेल। सो आज डिस्कस करेंगे अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। संडे का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में देखेंगे 10 जनवरी 2021 का। सो देखते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ पर जाने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको जो ये पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाए। और बहुत से यूपीएससी का इम्पोर्टेंट मटेरियल भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैं काफ़ी टाइम से जो पीडीएफ और नोट्स वगैरह हैं एंड वीडियोज़ आल्सो प्रोवाइड करवाता हूँ सबको। सो आप देख सकते हैं वहाँ पर अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलेंगे अपने आज के न्यूज़पेपर पर। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें फर्स्ट न्यूज़ देखेंगे अपने पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो वैक्सीनेशन के बारे में। जो वैक्सीनेशन है वो आपको पता है स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जानकारी दे दी थी जो हमारा जो वैक्सीनेशन होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होगा। सो जो कब से स्टार्ट होने जा रहा है जो वैक्सीनेशन है वो 16 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। यही न्यूज़ है इसमें एक। और जो सबसे पहले आपको पता है जो ये लगाई जाएगी वैक्सीन वो किनको लगाई जाएगी, वो 3 करोड़ जो हेल्थ लाइन जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो आप नाम सुन रहे हैं जो न्यूज़ में, वो किनको कहते हैं? वो जैसे ये पुलिस वाले हो गए जो कोरोना के टाइम में जो सेफ्टी कर रहे थे सबकी, पुलिस वाले हो गए या ये मेडिकल वाले हो गए, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट सेवाएं दे रहे थे ड्यू टू कोरोना केस में, तो वो जो हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, तो उनको जो है पहले लगाई जाएंगी। जैसे ये साफ़ सफाई कर्मचारी वगैरह हैं ये भी हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, तो इनको मतलब पहले की वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और आपको पता है हमारी जो दो वैक्सीन है कौन सी हैं? एक कोविशील्ड है और एक है कोवावैक्सीन। किन्होंने बनाई है? एक तो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे बेस है उन्होंने बनाई है, और एक बनाई है बायोटेक, भारत बायोटेक ने बनाई है। तो ठीक है, जो हैदराबाद में है। तो आप इस न्यूज़ के बारे में ध्यान रखेंगे। जो पास में न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है? वो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है अब जो सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी का मौसम है, तो वहाँ पर जो टूरिज़्म इंक्रीज़ हो रहा है। बिकॉज़ जो जम्मू कश्मीर है वो जाना किस लिए जाता है? वो जाना ही बर्फ़बारी के लिए जाता है, मतलब स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए। तो वहाँ पर जो इनकम वगैरह होती है वो किससे होती है? टूरिज़्म से ज़्यादा होती है। और टूरिज़्म जो है वहाँ पर बढ़ रहा है देखने को मिला है। तो ये एक न्यूज़ है इसमें कश्मीर वैली के। आप कश्मीर के बारे में देख लेंगे इश्यूज़ वगैरह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप जो कश्मीर से जुड़े इश्यूज़ हैं और वहाँ पे क्या क्या मिलता है, और गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ पर हैं, बुग्याल प्याल कहाँ पर है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो आपको मतलब कि रिलेट करना है कोई भी न्यूज़ हो तो उसकी जियोग्राफी वगैरह के बारे में आपको देखना है, जियोग्राफी लोकेशन कुछ भी, ताकि आपको पता चले। तो आगे जो न्यूज़ है उसके बारे में देखेंगे अपने चाइना के बारे में। आपको पता है जो चाइना है उनका एक सैनिक जो था एलएसी के पार आ गया था और इंडिया ने उसे कैच कर लिया, उसे पकड़ लिया है, उसे मतलब कि जो चाइनीज़ जो सोल्जर था उसको पकड़ के रख लिया है और हिरासत में ले लिया है उसको। और चाइना का भी बयान आया, चाइना ने भी कन्फर्म कर लिया है अपनी तरफ से। वहाँ के न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर है कौन सा है वहाँ का, वो शायद मुझे नाम याद नहीं है अभी वहाँ के न्यूज़पेपर का। तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर ने है न्यूज़ दी है और चाइना ने भी कंफर्म कर लिया है कि हाँ हमारा एक सैनिक गायब है। सो चाइना की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है। चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है? चाइना ने कहा है कि हमारा जो सैनिक है वो जल्द जल्द से हमको हैंड ओवर किया जाए। ये देख सकते हैं आप इस लाइन में, इंडिया शुड रिटर्न द सोल्जर इमिडिएटली सेज बीजिंग। बीजिंग चाइना की जो कैपिटल है वो है। सो मतलब कि आपको पता है कि चाइना का जो सोल्जर है वो हमारे इंडिया में आ गया है और इंडिया वालों ने पकड़ लिया है, इंडियन आर्मी ने। तो ये एक न्यूज़ है, आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो आगे चलेंगे कि
क्या न्यूज़ है आगे पेज नंबर पर? आगे कोई न्यूज़ नहीं है पेज नंबर, आज संडे है वैसे आपको पता है, तो संडे को ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है, और एडिटोरियल वाला पेज भी संडे को नहीं होता है, तो पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है। ये तो वैसे ही है, इसमें क्या न्यूज़ होगी यार, इस पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल का होता है जो कि है नहीं, जो पे नहीं, इसमें कोई न्यूज़ तो नहीं है वैसे। लेकिन एक आपको याद रखना चाहिए, एक तो बर्ड फ्लू के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 8 जनवरी की जो वीडियो है उसको देखने का थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं आप। मैंने पूरा बर्ड फ्लू के बारे में बताया है, बर्ड फ्लू के बारे में जो भी यूपीएससी से इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है, वो उस वीडियो में आपको बताया है, तो आप बर्ड फ्लू के बारे में देख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस पेज नंबर पर जो दिया गया है वो एक एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, आपको पता है काफ़ी जगह है जो मतलब कि यूपी ये स्टेट है, मतलब वहाँ पे जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है आपको पता है वो पास हुआ है, तो एंटी कन्वर्जन लो आप जो भी न्यूज़ में है उसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा बस, बाकी इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। यूपी का जो है काफ़ी माहौल बना हुआ है वहाँ पे, तो वो मैंने बता दिया है वीडियो में, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उनका भी। तो आगे जो न्यूज़ है वो फार्मर्स एंड सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब कि फार्मर्स का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे उससे रिलेटेड है, कि जो सेंटर है उससे कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, जो फार्मर्स का जो चल रहा है प्रोटेस्ट उससे कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, तो जो सेंटर जो है उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट जो है 11 जनवरी को जो है अपना व्यू देगी, फिर उसके बाद में 15 जनवरी को 9th जो राउंड मीटिंग है, जो 9th मीटिंग है फार्मर्स के साथ है सेंटर की, तो उसमें देखेंगे क्या बनता है। इसमें यही न्यूज़ बताई गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप फार्मर्स जो बिल आ रहे हैं न्यूज़ में आप उसके बारे में देख सकते हैं, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो रेगुलर न्यूज़ पढ़ता है उसके लिए तो ये नॉर्मल बात होगी, जो नहीं पढ़ता, जो पहली बार न्यूज़ देख रहा है, तो वो थोड़ा सा संभले। अब जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, आज एक साइंस एंड टेक वाला जो पेज आता है वो अच्छा है, आज उसके बारे में देखेंगे अपनी ज़्यादा। तो माधवा सिन्हा जो है सोलंकी, उनकी डेथ हो चुकी है। माधवा सिन्हा सोलंकी कौन है? ये यूनियन हेल्थ यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ है सॉरी, हेल्थ बोला गया था, यूनियन मिनिस्टर रह गए हैं, ये रह चुके हैं पहले जो हमारे सेंटर में हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और गुजरात के सीएम बन के रह चुके हैं। गुजरात के सीएम कितनी बार बने हैं? ये 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जो हैं गुजरात के सीएम बन के रहे हैं ये, और 93 में इनकी डेथ हुई है, मतलब पासेज हुए 93 की एज में। तो यही एक ठीक सी न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छे मतलब कि थे ये, कहा जा रहा है इनमें, बताया जा रहा है इनके बारे में थोड़ा सा। तो अब आगे जो न्यूज़ है उसमें देखेंगे अपने इंडियन वैक्सीन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वैक्सीन के ऊपर भाषण दिया था, स्पीच दी थी थोड़ी सी छोटी सी, कहते इंडिया ने मतलब जो हेल्प की है वर्ल्ड की और हमें ह्यूमैनिटी की हेल्प की है, तो हमने ही मतलब कि वैक्सीन बनाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और हम हेल्प करेंगे, देखेंगे इस वैक्सीन की एफिकेसी और फिर हेल्प करेंगे, जैसे कि हमने पहले जो पैरासीटामोल वाली जो गोलियां वगैरह थी, वो टैबलेट्स वगैरह थी वो सप्लाई की थी, एंड जो इम्पोर्टेंट खाने वगैरह का सामान है जो आसपास की कंट्री में पहुँचाया था, तो कोविड में काफ़ी हेल्प की है इंडिया ने ह्यूमैनिटी की, और अब भी हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प के लिए तैयार है इंडिया, ये मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हमारे। सो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है ये, और आप इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, बिकॉज़ हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आप तैयारी करें यूपीएससी की, तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आए ताकि आपको पता चलता रहे, इसलिए आपको फिर हैबिट हो जाएगी ना, हाँ प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या कहा वहाँ पर, क्या कहा उस फंक्शन में गए वहाँ पर क्या कहा उन्होंने, तो वैसे वीडियो देखते रहें आगे, बिकॉज़ आगे जो पेज नंबर 11 पर जो है साइंस एंड टेक का पेज वो इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में देख सकते हैं अपने, आत्मनिर्भर भारत क्या है आपको पता है ये, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से न्यूज़ चल रही है ये। सो अब जो आगे चलेंगे पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर चलेंगे वर्ल्ड पेज नंबर पर, इसमें देखेंगे क्या न्यूज़ है। इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जी छाए हुए हैं आजकल, डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप जी कैसे छाए हुए हैं? बिकॉज सीट छोड़ने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जी। कहते हैं कि हम नहीं हारे हैं, लेकिन पब्लिक ने अगर जो बिडन को चुना है तो अब इनको पावर ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए वैसे। सो अब इन्होंने क्या, जैसे वॉयलेंट जो मतलब कि इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो ट्विटर ने जो है इनका परमानेंट अकाउंट जो है बैन कर दिया है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। पहले भी वैसे बैन किया था कुछ टाइम के लिए, और इन्होंने कहा कि मैं ट्विटर बंद कर दूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा, तो धमकियां वगैरह देकर इन्होंने अपना अकाउंट सही करवा लिया था, बैन से हटवा लिया था। लेकिन अब जो है उन्होंने परमानेंट बैन कर दिया है, बिकॉज जो ये प्रेसिडेंट है ये वैसे भी 20 जनवरी के बाद नहीं रहने वाले हैं, बिकॉज जो जो बिडन जो है नए प्रेसिडेंट हैं वो बैठेंगे। सो ये एक न्यूज़ है, आप IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, ध्यान में रखिए थोड़ा सा क्या देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलेंगे पेज नंबर पर, आगे कोई न्यूज़ नहीं है इसमें। बिजनेस पेज नंबर पर है कि जो फ्यूल की डिमांड है वो बढ़ रही है, फ्यूल की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? बिकॉज इसकी जो कंजप्शन है वो काफ़ी बढ़ गई है, कंजप्शन जो इसकी है फ्यूल की वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो कोविड था तो कहीं पर भी जैसे व्हीकल वगैरह नहीं चल रहे थे तो इसकी डिमांड भी कम थी। अब जो है पहले इसकी डिमांड भी जो थी कम थी, अब जो है व्हीकल वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं तो इसकी डिमांड भी राइज हो रही है। तो ये एक न्यूज़ है, आप बाकी देख लेंगे इसमें मतलब कि कौन कौन से फ्यूल वगैरह होते हैं, बिटुमिन टाइप एंड LPG टाइप, ये जो फ्यूल हैं ये क्या है। तो अब चलेंगे आगे जो पेज नंबर है, इसमें कोरोना से जो COVID-19 वैक्सीन पहले थी नहीं, अब जो वैक्सीन आ रही है तो उसकी एफिकेसी कैसी है, उसमें चैलेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, कि असर कर रही है वैक्सीन या नहीं। सो इसके बारे में जो है इसमें बताया गया है कि आदर्शवादी है ये या नहीं, वैक्सीन से रिलेटेड मतलब कि इश्यूज बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, तो इसको स्किप करेंगे थोड़ा। अब जो चलेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैसे, थंबनेल पर भी मैंने इसका पिक लगाया हुआ है। इस न्यूज़ में क्या है, इसमें मीटियोराइट के बारे में बताया गया है कि एक जो जयपुर में मीटियोराइट मिला है उसके बारे में बताया गया है। जयपुर में कहाँ पर मिला है? मुकुंदपुरा में जो है मीटियोराइट मिला है उसके बारे में बताया गया है। तो जयपुर के मुकुंदपुरा में मीटियोराइट मिला है। अब आपको ये दिमाग में आएगा कि मीटियोराइट है क्या, ये तीन टर्म्स होती है वैसे, मैं बता दूँ आपको, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और जो मतलब कि ये मिला था तो पुलिस वालों ने, वहाँ की जो लोकल पुलिस वगैरह है, उन्होंने जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में इसका ऑफिस है, तो उनको जो है हैंडओवर कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे जानने को मिलेगा कि अर्थ में मतलब कि कैसे बनी, और कुछ मतलब कि स्पेस की जानकारी मिल सकती है अच्छी। सो कार्बोनेशियस कॉन्ड्रेट से ये बना होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा जो होती है सिलिकेट की होती है। सो CMD इसका मुकुंदपुरा, इसका नाम भी वहाँ के जो विलेज पे है रख दिया है, मुकुंदपुरा CM2 इसका नेम रख दिया है। और ये एक स्टोनी टाइप का जो है मीटियोराइट है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मीटियोराइट आखिर है क्या मीटियोराइट, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और काफ़ी पुराना मीटियोराइट है ये, जो सोलर सिस्टम में काम करता था काफ़ी टाइम। सो ये जो न्यूज़ है ये मीटियोराइट से रिलेटेड है, इसमें देखेंगे अपने। अब किस किस ने मिशन भेजा है, मुकुंदपुरा CM2 जो है इंडिया में मिला, और रायगू एंड बेनू के बारे में भी एस्ट्रॉइड जो हैं गए हैं, और ये जो नासा ने भी अपना जो ओसिरिक्स RX जो है मिशन भेजा है। तो ये मिशन मतलब कि 2020 में अक्टूबर में भेजा है, और ये रिटर्न कब करेगा, ये 2020 सेप्टेम्बर 2023 में रिटर्न करेगा, जानकारी मिलेगी। तो इससे अब इसका रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस ऐसे है कि दुनिया के बारे में जानकारी मिलेगी, स्पेस के बारे में जानकारी मिलेगी, सो रिसर्च वगैरह से पता चल सकता है, तो उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट मंथ आपको पता है जापान ने भी एक जो है Hayabusa 2 जो मिशन लॉन्च किया था, जो कि रायग्यू से रिलेटेड था। तो इसके बारे में देखेंगे, अभी तक 5 मीटियोराइट मिले हैं शायद। सो मैं आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टर्म तीन हैं वैसे, मीटियोर क्या होता है, और एक मीटियोरॉइड क्या होता है, एक मीटियोराइट क्या होता है, ये तीन टर्म हैं। अब आपको पता है कि स्पेस है, स्पेस में कोई रॉकी माउंटेन जब टूटता है, उसके छोटे छोटे जो
जो कण जो होते हैं वो ये वैसे कण होते हैं उनके छोटे छोटे जो हैं इन उनके ही आकार के मतलब कि नहीं होते ये, उनसे टूटकर ये जो हैं गिरते हैं। तो रॉकी माउंटेन से कोई भी जैसे कोई टूटे तो मेटर, तो जो स्पेस के अंदर ही जो मतलब कि पत्थर जो आप स्टोन भी कह सकते हैं उसको जैसे, तो जो मेट्योर है वो मेट्योर किसको कहेंगे, जो टूटकर उसके अंदर ही घूमेगा स्पेस के अंदर जो है घूमता रहता है उसे कहते हैं मेट्योर। जब तक स्पेस के अंदर है ये स्टोन उसको कहेंगे मेट्योर, और जब ये स्पेस के बाहर आ जाए और अपनी अर्थ में मतलब कि एंटर कर जाए तो इसमें आग लग जाती है और इसको कहते हैं मेट्योरॉइड। इसको कहते हैं तब मेट्योरॉइड जब ये स्पेस से बाहर आ जाए। सो जब ये धरती पर गिर जाता है तब इसको क्या कहते हैं, धरती से टकरा जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मीटोराइट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस ये, आप जान सकते हैं इसके बारे में, मैंने बता दिया है आपको ये तीनों टर्म्स के बारे में। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर किसी को अच्छे से समझ में नहीं आए। ये तीन टर्म आप याद रखेंगे, मीट्योर एंड मीटोरॉइड एंड मीटोराइट, तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे। अब जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी आपको पता है छाई हुई है आजकल, उसके बारे में बताया गया है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आजकल क्या ये इस जो दशक है इसमें भी काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज़ क्वांटम कंप्यूटर वगैरह बन रहे हैं और काफ़ी यूज़ किया जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का। सो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे ये क्या है, क्वांटम जो होते हैं कण होते हैं जैसे छोटे छोटे, तो उसमें मतलब कि जो इनविजिबल पार्ट होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सर इलेक्ट्रिसिटी अपने को दिखती थोड़ी ना, बस आती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये लाइट जल गई। लेकिन जो इनके अंदर जो इंटेंगलमेंट जो होता है ट्रांसमिट का, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, मतलब कि वो कैसे ट्रांसमिट करेगा जो मैसेज है। सो ये इनके बारे में जो जैसे क्वांटम से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स भी कहलाती है। तो जो वहाँ से जो उपकरण वगैरह बनते हैं वो क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया है कि दो मतलब ऑब्जेक्ट लिए जाएं, अगर दो ऑब्जेक्ट लिए जाएं उसमें मतलब कि फोटोन छोड़े जाएं तो उनका इंटेंगलमेंट होगा। सो इंटेंगलमेंट होगा उनका, जब ये इंटेंगलमेंट होगा तो इनके थ्रू जैसे कोई भी मैसेज भेजा जाए तो ये हाईली सिक्योर होगा, ये जो हाई लेवल की सिक्रेसी होगी और किसी को पता नहीं चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होगा ये जो मैसेज है या कुछ भी मतलब कि ऐसा यूज़ किया जाए। तो इसमें आपको बताया गया जैसे इंटेंगलमेंट करवाया जाए ना, ये देखो आप इंटेंगलमेंट ये हो रहा है और इसके थ्रू अब कोई मैसेज जा रहा है, तो ये हाई लेवल सिक्रेसी है और इसका जो यूज़ भी काफ़ी किया जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, क्वांटम कंप्यूटर वगैरह भी बन रहे हैं, इनकी स्पीड भी हाई होती है, काफ़ी अच्छी स्पीड होती है इनकी, क्वांटम जो कंप्यूटर बनते हैं आजकल आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बनाए भी हुए हैं। और इंडिया का भी मतलब कि ऐसे है कि इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी लेकर आए थे, हाँ शायद हाँ 2020 का जो पिछला बजट था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने मतलब कि कहा था कि हम जो कुछ जो रकम है मतलब कि कुछ जो रुपीज़ हैं वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे पैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है आजकल सिरे पर है कि उसका काफ़ी यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी देश ने बना भी लिया है और इंडिया भी इसमें कदम बढ़ाएगा। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब जो आगे न्यूज़ है क्रोकोडाइल से रिलेटेड न्यूज़ है, क्रोकोडाइल के बारे में देखेंगे अपने, डर मत जाना रे कोई। तो क्रोकोडाइल जो हैं, अब जो क्रोकोडाइल हैं, अब आपको पता है जुरासिक जैसे जुरासिक जो मतलब ये वर्ल्ड है या डायनासोर वगैरह जो हैं ये मतलब कि इनकी डेथ हो गई, ये ख़त्म हो गई दुनिया से, नष्ट हो गई जो भी आप कह सकते हैं वो कह लो, तो ये ख़त्म हो गई। लेकिन जो ये अपने क्रोकोडाइल हैं ये ख़त्म नहीं हुए, क्यों, ऐसी रिसर्च की गई थी कि ये जो हैं काफ़ी टाइम से ख़त्म नहीं हुए, 200 मतलब कि मिलियन ईयर से ये हैं, ये ख़त्म नहीं हुए फिर भी, क्यों, बिकॉज इसकी जो स्पीशीज है इनकी स्पीशीज भी काफ़ी कम है, अप्रोक्स 25 जो हैं स्पीशीज कुल हैं इनकी, बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ नहीं हैं इनकी, 25 जो हैं का मतलब कि स्पीशीज हैं इसकी क्रोकोडाइल की। और जो क्रोकोडाइल हैं ये वो क्या होता है मतलब वर्सेटाइल कंडीशन में भी रह सकते हैं, ये काफ़ी वर्सेटाइल हैं, मतलब कि वर्सेटाइल कैसे हैं कि
इनको कोई मतलब कि ऐसे नहीं कि स्पेशल पर्यावरण में मतलब कि रहना पड़े, ये किसी भी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब कि इनका ये सीक्रेट है, काफ़ी लंबे टाइम तक रह रहे हैं ये, तो ये रिसर्च में सामने आया है। तो इसमें कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं दी गई है, इसमें शॉर्ट न्यूज़ ही दी गई है बस, क्योंकि काफ़ 25 प्रजातियाँ हैं इसकी, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसकी 25 जो हैं प्रजातियाँ ही हैं, और ये वर्सेटाइल कंडीशन में जो हैं रह सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी लंबे टाइम तक हैं। सो ये न्यूज़ थी आज की, आज काफ़ी न्यूज़ थी नहीं वैसे, बिकॉज़ आज संडे था। सो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज। मैं जाने से पहले आपको बता दूंगा कि अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज एंड हैव ए नाइस डे।